ओम शांति। आज की बाबा की साकार मधुर मुरली है 11 मई 2022 की। बाबा ने आज की सारी मुरली के सार में विशेष निश्चय नशा और स्मृति के लिए बताया कि आत्मा को सदा नशा और खुशी कब बनी रहेगी, जब यह स्मृति रहेगी कि हम बहुत काल से बिछड़े हुए बाबा से अब आकर मिले हैं। बाबा अब हमें दुख के संबंध से छुड़ाकर सुख के संबंध में ले जाते हैं। यह स्मृति रहने से सदा नशा बना रहेगा कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, और स्मृति दिलाई कि हम आत्मा अभी ईश्वर की गोद में बैठी हैं, हम ईश्वरीय औलाद हैं, बाबा हमें भक्ति का फल सदगति देने आए हैं, और स्मृति दिलाई कि बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाने आए हैं। सदा यह निश्चय हो कि मैं आत्मा हूँ, भगवान स्वयं हमको पढ़ा रहे हैं, और स्मृति दिलाई कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा वा विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमारे सन्मुख आया है। फिर कहा, बाबा कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा में कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ, इसलिए बाबा को जादूगर भी कहते हैं। फिर नशे और खुशी के साथ साथ बाबा ने आज अटेंशन भी दिलाया कि जानते हो कि हम यहाँ बाबा के सन्मुख बैठे हैं, फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है, जिसको बाबा याद का गंगा जल भी बोलते हैं। फिर कहा, बाबा कहते हैं, मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो, अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा, जिन मुआफिक बनना है, एक बाबा की याद की तात और लगन सदा लगी रहे। फिर कहा, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह सिमरण करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो, तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। आज मुरली में प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? तो बाबा ने उत्तर में सदा खुशी रहने के लिए 6 पॉइंट्स बताए, जिन्हें निश्चय है। पहला निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। दूसरा निश्चय, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आए हैं। तीसरा निश्चय, हम आत्मा अब ईश्वरीय गोद में बैठी हैं, हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। चौथा निश्चय, बाबा हमें भक्ति का फल सदगति देने आए हैं। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठा, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं, बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है, सबकी सदगति करने, सर्व के सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना, हम बाबा के सामने बैठे हैं, निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा रथ पर सवार हैं, जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं, यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा वा विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान, आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है, यह है आत्मा का लव बाबा के साथ। यह खुशी किन्हों को चढ़ती है, जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो, तुम ही अभी समझते हो। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है, बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं, बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं,
खुद कहते हैं, मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, स्थूल वतन में आकर कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं, शरीर बिगड़ तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है, मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। यह ब्रह्मा बाबा का शरीर उस शिव बाबा ने लोन लिया है, यह जीव अर्थात शरीर उनका नहीं है, परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना, यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी इसमें हूँ, कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना, कहीं फिर इस खेलपाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है, कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको जट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है, पहले पहले यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और बाबा तो कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे न सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है वह मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी जो आत्माएं परमात्मा का साक्षात्कार करने की चाहना रखती हैं, तो बाबा ही उनकी भावना का भाड़ा देते हैं, लेकिन वह आत्माएं बाबा से मिल नहीं सकती, मेरे को तो पहचानते ही नहीं हैं। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी हैं, हम भी बिंदी हैं, हमारी आत्मा में यह नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है, यह किसी को मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं, बाकी श्री कृष्ण व गोपी की तो बात ही नहीं है। न यहाँ कलयुग में न वहाँ सतयुग में होगा, वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो यह खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कौन सी खुशी? कि हम बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो साकार में सन्मुख अभी बाबा से मिलन मनाते, बाबा से प्राप्ति करते हैं। कहते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हरी कृपा ते सुख घनेरे, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए। इस शिव बाबा माता की माता कोई हो न सके। यह राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करने का है। बाप कहते हैं, तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बाबा के सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाइश आदि क्यों आनी चाहिए? परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में होगी। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, यह अंत में होगा। ऐसे कोई कह न सके कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है, गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कर सकते हैं। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है, माम एकम याद करो। यह बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, ऐसे नहीं कोई याद कराए। शरीर छोड़ने के समय आपे ही याद आवे, बिगड़ किसी के मदद के बाबा को याद करना है, अर्थात स्वयं को ही स्वयं की लगन से दिल से बाबा को याद करना है। वे लोग तो मंत्र देते हैं, यह तो कॉमन बात है, उस समय बहुत मारा मारी आदि होती है, तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो,
उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तब ही नंबर वन पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज कोई वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहाँ कौन निवास करते हैं यह भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी हैं कि वहाँ भी हिरण्यकश्यप आदि थे। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आते जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है नहीं, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़े ही बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन्न बनो। तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्फ और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो माया कच्चा खा जाएंगी। एक कहानी भी है ना, जिन्न खा गया। बाबा कहानी का एग्जाम्पल देकर याद दिला रहे हैं कि सदा माया के धोखे से बचे रहना है, तो अल्फ और बे की याद में अपने को सदा बिजी रखना है। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएंगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। भल वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होगा विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खुने ना है, खेल है ना, क्या गुनाह किया है जो मारने के लिए बॉम्ब्स आदि बनाए हैं। मरेंगे तो सही, वह भी समझते हैं हमको कोई प्रेर रहे हैं। जो नहीं चाहते भी हम यह बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, ड्रामा में नोंद है, इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना और मारना है, यहाँ तो वह बात नहीं। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था। नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। बाबा तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, अब गॉडली स्टूडेंट हैं। यह सिमरण करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, अर्थात बाबा हम बच्चों के मन में श्रेष्ठ संकल्पों की धारणा करा रहे हैं। फिर तुम यह भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं हम वारिस हैं, तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं, बच्चे काम महाशत्रु हैं, इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है। यह है मृत्यु लोक वैशालय। राम शिव बाबा शिवालय बनाते हैं, जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य था, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, यह तुम अब जान गए हो। वह समझते हैं गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। किसी एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात नहीं सुनते, तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है,
बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, माया के वार से बचने के लिए जिन्न बन अल्फ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरा, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है, बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। स्पष्टीकरण है, सदा विजय बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है। क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है, तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजय रत्न बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अभी मातेश्वरी मम्मा के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा कहे, इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रहे हैं, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेंगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताएं प्रालब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंस फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है इससे हम भविष्य प्रालब्ध सतयोगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको यह नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ता है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रालब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सतयुग में नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति।